Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. Dear friends, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बामर सीरीज अपीयर्स एट। ऑप्शन ए 9R/400 सेंटीमीटर इनवर्स, 7R/144 सेंटीमीटर इनवर्स, C3R/4 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 5R/36 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए R में जो है ये वैल्यू ली गई है और किसके लिए ली गई है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए। तो बस यहाँ पर आप रेडवर्क फॉर्मूले से को लगाइए और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो बामर सीरीज में क्या होता है कि बामर सीरीज में n=1 n=2, तो n1 की वैल्यू हो गई कितनी, 2। अब फर्स्ट लाइन की बात कर रहा मतलब जस्ट अपर गया, यानी n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, तो एमिशन लाइन है, तो एमिशन लाइन के लिए फिर इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर आया, 3 से जो है वो किस पे आया, 2 पे आया। चलिए कोई बात नहीं, कुल मिला के n1 की वैल्यू 2 लेनी है और n2 की वैल्यू 3 लेनी है। फॉर्मूला लगाना तो ये रहेगा 1/λ = RHZ² 1/n1² - 1/n2², ठीक है ना। रेडवर फार्मूला लगा दिया, 1/λ = आपका हो जाएगा RH, R ले लिया मैंने, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए तो 1² होगी, n1 की वैल्यू 1/2² - 1/3² होगी। यहाँ पर हो गया जाके R 1/2, 1/4 हो गया, -1/3, 1/4 हो गया और 1/3² 1/9 हो गया। अब यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 36, ये हो गया कितना, 9 - 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो होगा वो क्या होगा, 9 - 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R आ जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल टू हो गया क्या R, और ये वैल्यू होगी 5/36, ठीक है ना। तो 1/λ = 5R/36 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आंसर आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।